थे वो भाजपा के फेवर में थोड़े से आए, और भाजपा के फेवर में आने से उसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा से जो समीकरण बन रहे थे वैसा उम्मीदवार उनके पास नहीं बन रहा था। तो लेकिन उन्होंने अंदर खाने सपा के ही उम्मीदवार को जो है वो तोड़ लिया। कहीं ना कहीं शाहजहांपुर में कांग्रेस और आपके भाजपा में फाइट है, जिससे सपा डाउन हो गई और भाजपा जो है वो फाइट में आ गई, यानी कि जीतने के कगार पे उन्हें लगने लगी। नमस्कार, मैं विनय पांडे, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक की टीम इस वक्त मौजूद है मीडिया हाउस में। आप हमारे साथ आइए, देखते हैं। यहाँ पर कुछ पत्रकार बैठे हुए हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे प्रेम शंकर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रेम शंकर जी, ये बताइए क्या लग रहा है कि अभी पिछले एक महीने से जो आपने देखा होगा फील्ड में लेकर, कि क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जो है वो बाजी मारेगी? जी देखिए, चुनाव में यहाँ पर शाहजहांपुर में जातीय समीकरण तो कोई विशेष शाहजहांपुर नगर निगम में बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो सियासी समीकरण है वो बहुत ज़्यादा उठापटक उनमें हुई थी, और वो सियासी समीकरण इतने ज़्यादा हुए थे कि जो उम्मीदवार सपा के थे वो ऐन मौके पर आखिरी दिन जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार बन गए, और जिसकी वजह से सारे समीकरण सपा के जो हैं वो बदल गए। यानी जो उम्मीदवार सपा के जीतते हुए दिखाई दे रहे थे वो उम्मीदवार जो है फिर उनको उम्मीदवार ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। जी, तो इसमें जो सियासी समीकरण है वो किसी तरीके से हावी रहा कुछ इस चुनाव में? हाँ, सियासी समीकरण ये था कि क्योंकि ये नगर निगम बना है पहली बार, और इसमें क्योंकि इससे पहले नगर पालिका थी, तो उसमें पिछली बार जब नगर पालिका की तो पिछले चार टर्म में जो है यहाँ पे मुस्लिम सपा के उम्मीदवार थे जो इस समय जिलाध्यक्ष हैं सपा के, वो जीतते आ रहे हैं। यानी कि किसी भी बीजेपी को यहाँ पर जीतना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जब नगर निगम बना और नगर निगम बनने के बाद जो है वो जब बना तो कुछ क्षेत्र भी बढ़ा, तो जिसकी वजह से जो है वो ये जो समीकरण थे वो भाजपा के फेवर में थोड़े से आए, और भाजपा के फेवर में आने से उसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा से जो समीकरण बन रहे थे वैसा उम्मीदवार उनके पास नहीं बन रहा था। तो लेकिन उन्होंने अंदर खाने सपा के ही उम्मीदवार को जो है वो तोड़ लिया, और आखिरी दिन जो है वो नॉमिनेशन उसका करवाया, और सपा के पास जो है कोई उम्मीदवार नहीं था उस समय तक, तो जैसे तैसे उन्होंने अपना उम्मीदवार घोषित किया, और वही उम्मीदवार उनका माला राठौर के रूप में अभी जो है वो चुनाव लड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि अभी आज मतदान हो रहा है तो किसकी टक्कर मान रहा है, मतलब कौन सी पार्टी निकल सकती है? देखिए, दो चीज़ें हैं, जो सियासी समीकरण हैं और ग्राउंड पे मैनेजमेंट का जो मामला है, यानी जो देखा जा रहा है वो उसमें भाजपा आगे है। क्यों? क्योंकि जो हर बूथ पर जो है वो भाजपा का वेल मैनेज्ड तरीके से उनके कार्यकर्ता जो हैं वो चुनाव लड़वा रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। सपा का सबसे वीक पॉइंट यही है कि उनका बहुत अच्छी टीम जो है वो, क्योंकि उम्मीदवार ऐसा नहीं था, उसको पहले से कोई तैयारी नहीं थी, तो इस वजह से उनके पास ऐसी कोई टीम नहीं है। लेकिन फिर भी जो बीजेपी से नाराज़ हैं वो लोग जो हैं वो लोग जो हैं वो सपा को मिलने की उम्मीद है, जिसकी वजह से फाइट में सपा तो है ही, लेकिन जो है अभी फ़िलहाल जो अभी तक जितना हुआ है वोट पड़ा है, अभी करीब 32% वोट पड़ा है, तो उस हिसाब से लगता तो यही है कि भाजपा ही जीतेगी। लेकिन क्योंकि अभी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा और अभी टाइम भी है मतदान के आखिर में, तो परिणाम किसी भी रूप में बदल भी सकता है, और लेकिन अभी फ़िलहाल हम कहेंगे तो भाजपा जो है वो मजबूत दिखाई दे रही है। चलिए और लोग बात करेंगे, आप हिंदुस्तान से हैं, प्रभाकर जी हैं। प्रभाकर जी, ये बताइए क्या लग रहा है पिछले एक महीने से जो चुनाव का रहा, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जो है वो बाजी मार सकती है? जिस टाइम से शुरुआत हुई थी निकाय चुनाव की, उस टाइम से समाजवादी कैंडिडेट जो उतारा गया था वो सीधा कोई फाइट नहीं, वो जीत रहा था। लेकिन जब भाजपा ने समीकरण चेंज करते हुए नामांकन के दौरान जब उस कैंडिडेट को तोड़ के भाजपा सामने किया, उससे सीधा समीकरण यहाँ पर बदल गया। लेकिन अभी भी जो भाजपा के लोग हैं वो नाराज़ हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज की अभी तक जो परसेंटेज हुआ है 27 पॉइंट कुछ है एक बजे तक, उसमें जो है
परसेंटेज कम के हिसाब से कुछ खतरा लग रहा है भाजपा के लिए। क्या लग रहा है, कुछ सियासी समीकरण या जातीय समीकरण हावी रहेगा? सियासी समीकरण हावी रहेंगे। तो क्या लग रहा है कि आज जैसे मतदान चल रहा है तो अभी तक कुछ निकल कर आ रहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे रहेगी? अभी तो सीधा सीधा चल रहा है कि सपा और भाजपा का चल रहा है, और ये शाम तक तय होगा कि 3 बजे के बाद क्या कंडीशन आ रही है सामने निकल। चलिए और लोग बात करेंगे। आप अभिषेक जी हैं हिंदुस्तान से। अभिषेक जी, ये बताइए क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी जो है जीत रही है? जैसे कि अभी हमारे दोनों भाइयों ने बताया कि जिस हिसाब से सपा, पहले हम उम्मीद थी कि जिस हिसाब से अर्चना वर्मा प्रत्याशी जो भाजपा ने, सपा ने सॉरी खड़ा किया था, देन आखिरी वक्त पे भाजपा के लोगों ने इसे तोड़ के उनको अपने पाले में लिया है, तो उसके हिसाब से काफ़ी स्तर पे समीकरण चेंज हुए हैं। अब कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोटर यहाँ का है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भी डाइवर्ट हो गया है, तो इस हिसाब से। लेकिन जो आपका जो वोटिंग का मैनेजमेंट जो हिसाब से कहते हैं, जिस हिसाब से हम हर बूथों पर जाके कवरेज करते हैं, तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि जो वोटिंग का मैनेजमेंट है जो भाजपा करा रही है वो काफ़ी अच्छा है। ई रिक्शे से ले जाके घरों से निकलवा के आप करवाना, बाकी बूथों पे जो उनके बिस्तर लगते हैं वहाँ पे काफ़ी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह से लग रहा है कि काफ़ी वोटिंग प्रतिशत को लेकर के भाजपा काफ़ी वो है, लेकिन कहीं ना कहीं शाहजहाँपुर में कांग्रेस और आपके भाजपा में फाइट है। बाकी परसों तक जो नतीजे आएंगे वही बता पाएंगे कैसा रहे। चलिए और लोग बात करेंगे। आप स्वतंत्र भारत से हैं विशेष जी, पत्रकार। विशेष जी, ये बताइए क्या लग रहा है कि आपको पिछले एक महीने से जो आप लगातार चुनाव को लेके कवरेज भी कर रहे हैं, तो आज मतदान है, तो क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी जो है वो जीतेगी? शाहजहाँपुर में 3 मंत्री, MLC, विधायक, पहली बार शाहजहाँपुर मेयर का चुनाव हो रहा है। सत्ता के लिए चुनौती थी यहाँ। पहले जब यहाँ समाजवादी पार्टी से अर्चना वर्मा प्रत्याशी उतारी गई थी, भाजपा से लंबी कतार थी टिकट मांगने वालों की, लेकिन उनके पास अर्चना वर्मा जैसा चेहरा उन्हें नहीं लग रहा था कि टक्कर दे पाएगा। उन्होंने एन वक्त पर, एक दिन पहले, नामांकन से एक दिन पहले अर्चना वर्मा को भाजपा में शामिल किया, और अपना जो है भाजपा ने अपने मजबूत कैंडिडेट अर्चना वर्मा, उन्हें मजबूत कैंडिडेट लगी और उन्हें भाजपा में शामिल करा के नामांकन करा लिया, जिससे सपा डाउन हो गई और भाजपा जो है वो फाइट में आ गई, यानी कि जीतने के कगार पे उन्हें लगने लगी। तो इस समय भाजपा और सपा में टक्कर है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारा है उनकी कोई तैयारी नहीं थी, नया कैंडिडेट था, उनका अपना राजनीतिक जो है पहले से कोई क्षेत्र में इतनी ज़्यादा वजूद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो प्रत्याशी उतारी और उसके बाद में सपा का जो वोट बैंक है अपना या भाजपा से जो है टक्कर है यहाँ पे। फिर भी क्या लग रहा है जीतेगा कौन? अभी तक तो भाजपा आगे चल रही है, हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि अभी वोट प्रतिशत जो है काफ़ी कम है यहाँ, 27-30 के करीब में वोट प्रतिशत है, तो अभी तो भाजपा आगे चल रही है, अब शाम ही तक बताया जा सकता है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप हैं सिमरनजीत जी, पत्रकार हैं। सिमरनजीत जी, ये बताइए क्या लग रहा है, पिछले एक महीने से आप लगातार कवरेज भी कर रहे हैं, कौन सी पार्टी जो है इस चुनाव में बाजी मार रही है? देखिए, बाजी की अगर बात की जाए शाहजहाँपुर नगर निगम की, तो पहली बार यहाँ पर नगर निगम बनने के बाद मेयर के लिए चुनाव हो रहा है। तो इससे पहले की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर लंबे समय से काबिज थी, लेकिन इस बार भी नामांकन से पहले समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ थी, क्योंकि उनके पास जो कैंडिडेट थे अर्चना वर्मा, तो यूँ कहें कि उन्हें विरासत जो है वो राजनीति जो है वो विरासत में मिली। उनके ससुर जो हैं वो मंत्री रहे और उनके पति जो हैं वो भी विधानसभा के चुनाव लड़े, तो एक मजबूत चेहरा था। अर्चना वर्मा काफ़ी सक्रिय महिला थी वो भी, लेकिन जब नामांकन होना था उससे ठीक एक दिन पहले शाम को अर्चना वर्मा लखनऊ जाती हैं, उस दिन उनके ससुर की पुण्यतिथि भी थी, तो वो इस कार्यक्रम को अपने आवास पर मनाती हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं, लेकिन उसके बाद शाम को जो है वो लखनऊ चली जाती हैं और
भाजपा ज्वाइन कर लेती। उसके बाद तेजी से समीकरण बदल गया क्योंकि फिर सपा जो है बिल्कुल असहाय सी महसूस होने लगी थी, लेकिन ऐन वक्त पे उन्होंने क्या किया कि बाद में माला राठौर को प्रत्याशी बनाया। तो माला राठौर की अगर बात की जाए तो उनके पास कोई राजनीतिक अनुभव तो है नहीं पहले का, लेकिन शाहजहाँपुर में जो तनवीर खान की जो पहचान है, या फिर अगर स्टेट लेवल पर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी का जो अपना कोर वोटर है वो उनके साथ है, तनवीर और समाजवादी पार्टी। लेकिन अगर हम सोचें कि माला राठौर का कोई अपना इंडिविजुअल इतना कोई अप्रोच है, इतनी कोई पकड़ है वोटर्स पे, तो वो मुझे क्या लग रहा कौन सी पार्टी जो है वो जीत जाएगी। अगर अभी की बात हम ये करें कि समाजवादी पार्टी तो खैर कुछ पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि भाजपा ने अपनी पूरी दमखम यहाँ पे लगा दी, मुख्यमंत्री स्वयं आए, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ आए, तीन तीन मंत्री ऑलरेडी नामांकन के बाद से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और सभी विधायक हैं उनके, उसके बाद में MLC भी हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, तो भाजपा के पास ये कहें कि पूरी फौज है एक चुनाव लड़ाने के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी अगर बात करें तो वहाँ पर सिर्फ वन मैन आर्मी वाली बात दिखाई देती क्योंकि जो बाकी समाजवादी पार्टी के नेता हैं तनवीर खान को छोड़कर, वो जाते तो हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज को देख कर कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा अभी तक। चलिए और लोग बात करेंगे। आप संजय श्रीवास्तव, संजय जी ये बताइए क्या लग रहा है कौन सी पार्टी जो है जीतेगी और क्या सियासी समीकरण कुछ हावी रहेगा। देखिए सियासी समीकरण तो यहाँ बहुत हावी रहे, यहाँ पर जो सपा के कैंडिडेट थे वो आप अभी समय BJP से लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर BJP का वैसे वर्चस्व रहा है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि जो BJP का कैंडिडेट है वो जीतेगा, लेकिन मामला त्रिकोणीय भी हो सकता है क्योंकि सपा से उनकी टक्कर है और कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ BJP का जीतने की ज़्यादा अनुमान है। ये थे शाहजहाँपुर के पत्रकार। फिलहाल कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता 13 मई को पता चल पाएगा। विनय पांडे, UP तक, शाहजहाँपुर।